तो पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान के इस्तीफे के बाद आज फिरोजाबाद और शिकोहाबाद सीट से फिरोजाबाद की शिकोहाबाद सीट से विधायक मुकेश वर्मा ने भी इस्तीफा दिया है। मुकेश वर्मा ने इस्तीफा देने के बाद हमसे खास बातचीत की और हमारे समाज की उपेक्षा हुई है, ये बात उन्होंने रखी है। देखिए, इसमें लगातार उठापटक जारी है और इस्तीफे का दौर हर रोज नया देखने को मिल रहा है। आज फिर फिरोजाबाद की शिकोहाबाद सीट से मुकेश वर्मा ने इस्तीफा दे दिया है और इस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ उनके आवास पर मौजूद है। मुकेश वर्मा जी, आखिर क्या वजह रही कि आखिरी टाइम में आपने इस्तीफा दिया? आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता के पैरों में प्रणाम करता हूँ। बड़े सौभाग्य की बात है कि आपके चैनल के माध्यम से उनके पैरों में प्रणाम हो रहा है, मुझे भी गर्व है। कॉन्स्टिट्यूशन का चौथा स्तंभ, वास्तव में मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ। 5 वर्ष हम लोगों ने निरंतर विधानसभा में लगभग 300 क्वेश्चन नियम 51 के तहत, 301 के तहत तारांकित क्वेश्चन, याचिका के माध्यम से, चिट्ठियां लिखकर बार बार हम ये बताते रहे कि दलितों का, पिछड़ों का, शोषितों का, अल्पसंख्यकों का अहित क्यों इतना हो रहा है, और हमें ये आश्वासन मिलता रहा कि हम ये विधायक जी काम करेंगे। जब आप सरकार के काम काज से दुखी थे, आपके समाज का अहित हो रहा था, तो इतना वक्त क्यों लग गया इस्तीफा देने में? दीदी, यही तो मैं पैरों में प्रणाम करके बता रहा हूँ। 5 वर्ष तक निरंतर 300 क्वेश्चन उठाकर बार बार कहकर बार बार आश्वासन मिलता रहा, आचार संहिता लगने तक और उसके बाद भी ये आश्वासन मिलता रहा कि हम ये सारे काम करेंगे। एक माँ अपनी बेटी को दूध पिलाने के लिए निप्पल का जो